हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम अप्रेंटिसशिप के बारे में बात करेंगे कि ये अप्रेंटिसशिप होती क्या है और कौन कौन से लोग इस अप्रेंटिसशिप के लिए एलिजिबल होते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में जितने भी वीडियोस मैं इससे रिलेटेड लाता रहूँगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, ये अप्रेंटिसशिप होती क्या है। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसे हम डिप्लोमा, बीटेक, आईटीआई और ग्रेजुएशन लेवल को करने के बाद करते हैं। यह अप्रेंटिसशिप दोस्तों एक साल, दो साल या डिपेंड ऑन कंपनी की हो सकती है कि जितने भी ईयर की कंपनी अगर कराती है। मोस्टली अप्रेंटिसशिप दोस्तों एक साल की होती है, पर कुछ कुछ कंपनियां इसी अप्रेंटिसशिप को दो साल या तीन साल तक भी एक्सटेंड करती हैं। दोस्तों, इस अप्रेंटिसशिप को करने के दौरान जो भी कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप करते हैं उन्हें एक स्टाइफेंड मिलता है। अब ये स्टाइफेंड कितना होता है दोस्तों, ये डिपेंड करता है कंपनी पर। कुछ कंपनियाँ ज़्यादा स्टाइफेंड देती हैं, कुछ कंपनियाँ कम स्टाइफेंड देती हैं। तो दोस्तों, हम अपनी इस वीडियो में इंडिया के कुछ टॉप मोस्ट कंपनियों की बात करेंगे जो कि अच्छा स्टाइफेंड देती हैं और जहां से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो दोस्तों, देखते हैं पहली कंपनी के बारे में। दोस्तों, जो सबसे अच्छी कंपनी अप्रेंटिसशिप के लिए आती है वो है इंडियन ऑयल। दोस्तों, इस कंपनी में स्टाइफेंड बहुत अच्छा मिलता है। इंडियन ऑयल में तीन डिवीज़न होते हैं दोस्तों, पाइपलाइन, मार्केटिंग और रिफाइनरी डिवीज़न। रिफाइनरी डिवीज़न में जो बच्चों को अप्रेंटिसशिप मिलती है, अप्रेंटिसशिप होती है दोस्तों, उसमें स्टाइफेंड लगभग 14 to 15K मिलता है। और दोस्तों, इस डिवीज़न में अप्रेंटिसशिप करने के बाद परमानेंट के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको इंडियन ऑयल से अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिले तो आप रिफाइनरी डिवीज़न का फॉर्म ज़रूर डालिएगा, जिससे आप परमानेंट भी हो सकते हैं। और बाकी जो दो विभाग हैं, पाइपलाइन डिवीज़न और मार्केटिंग डिवीज़न, दोस्तों वहाँ पे स्टाइफेंड तो अच्छा मिलता है दोस्तों, पर वहाँ पर परमानेंट होने के कोई चांस नहीं रहते हैं। तो बेहतर यही होगा कि अगर आप रिफाइनरी का फॉर्म भरते हैं, चाहे मथुरा रिफाइनरी हो, पानीपत रिफाइनरी हो, वहाँ का फॉर्म भरेंगे दोस्तों, तो वहाँ से अप्रेंटिसशिप करने के बाद आप परमानेंट भी हो सकते हैं। और दोस्तों, इस कंपनी के द्वारा अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा। बहुत जगह आप इस अप्रेंटिसशिप को दिखा भी सकते हैं कि हाँ, आपने एक साल की अप्रेंटिसशिप इंडियन ऑयल से की है, तो प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब के बहुत अच्छे अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। पर ये दोस्तों सारा कुछ टाइम पे डिपेंड करेगा या मौके पे डिपेंड करेगा कि आपको कितने अच्छे अवसर मिलते हैं। जो भी लोग डिप्लोमा और आईटीआई करते हैं वो लोग इंडियन ऑयल से अप्रेंटिसशिप ज़रूर करें, क्योंकि इंडियन ऑयल एक साल तक आपको एक अच्छी स्टाइफेंड प्रदान करता है, जिससे आप अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर सकते हैं और आपको पैसा भी मिलता रहेगा। इंडियन ऑयल साल भर में 2-3 बार फॉर्म तो निकालता है अप्रेंटिसशिप के, और जैसे ही फॉर्म निकले आप उसे फिल कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए और सिलेक्शन लीजिए और अप्रेंटिसशिप स्टार्ट कर दीजिए इस कंपनी से। दोस्तों, इंडियन ऑयल के रिगार्डिंग जितनी भी आपकी क्वेरीज़ हैं अप्रेंटिसशिप को लेकर, वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए आते हैं दूसरी कंपनी के बारे में दोस्तों। दूसरी कंपनी है भेल, BHEL। दोस्तों, इस कंपनी में भी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आती है, चाहे वो डिप्लोमा लेवल की हो, आईटीआई लेवल की हो। दोस्तों, डिप्लोमा लेवल में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ये सारी ट्रेड्स के लिए वैकेंसियाँ आती रहती है। और इसमें जो स्टाइफेंड मिलता है दोस्तों वो इंडियन ऑयल से कम मिलता है, फिर भी 10,000 से 12,000 तक आप स्टाइफेंड BHEL से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरी जो कंपनी है वो है ONGC। यहाँ से भी आप अप्रेंटिसशिप करके फ़ायदा उठा सकते हैं दोस्तों। हालांकि इस कंपनी में वैकेंसियाँ काफ़ी कम होती हैं, पर फिर भी जब आप फॉर्म निकले तो अप्लाई कर सकते हैं। और अप्रेंटिसशिप रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स या क्वेरीज हैं आपकी, कि आप ज्वाइनिंग कहाँ लें, या फिर आपको अगर अप्रेंटिसशिप करने के दौरान कोई भी समस्या हो रही है वहाँ पर, तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दे सकते हैं। मैं आपको ज़रूर सुझाव कर दूंगा आपको कि आप क्या कर सकते हैं उस स्थिति में। दोस्तों, जितनी भी वैकेंसियाँ अप्रेंटिसशिप रिलेटेड आएंगी मैं आपको इस चैनल के थ्रू ज़रूर नोटिफाई करूंगा।
तो दोस्तों मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पे बने रहिए, जिससे आपको जितनी भी वैकेंसियाँ फर्दर आती रहें आएंगी तो मैं उसको नोटिफिकेशन के थ्रू आपका तक पहुँचाता रहूँगा दोस्तों। तो दोस्तों बस कुछ कंपनी, इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं दोस्तों जो अप्रेंटिसशिप कराती हैं, तो लेकिन मैं सिर्फ उन्हीं कंपनियों के बारे में बताया मैंने आपको जो अच्छा स्टाइपेंड भी देती है और आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। बाकी जो कंपनियाँ स्टेट कंपनियाँ हैं दोस्तों वो अप्रेंटिसशिप कराती तो हैं पर वहाँ पर ज़्यादा स्टाइपेंड नहीं मिलता है, या फिर ऐसा वर्क प्लेस होता है कि आप कुछ ज़्यादा या फिर नया नहीं सीख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।